हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजाइनर शबाना में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंची टेप को समझाएंगे कि इंची टेप किस तरह से इसका नाप लेते हैं और किस तरह से इसके ये जो नंबर होते हैं वो आप किस तरह से समझ सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो 1, 2, 3 जो नंबर है ना, इनको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक के इंच। जो 1 और 2 के बीच में जो आ रहा है ना, इसको इंच बोलते हैं। जैसे हम नाप लेते हैं ना कि 8 इंच, 7 इंच, 6 इंच, 5 इंच, तो इस तरह से यहाँ से लेके 5 इंच यहाँ तक होता है, इतना 5 इंच होता है। और सबसे जो मेन बात आती है वो होती है जो ये आधा होता है, जो ये बड़ी लकीर जो दिख रही है, इसको बोलेंगे यहाँ से 1 इंच के बीच में 1.5 इंच यहाँ तक। और जो इसके पास वाली जो लकीर है, इसके पास वाली है, ये जो थोड़ी सी बड़ी और दिख रही है आपको यहाँ पे, ये वाली, इसको बोलेंगे सवा एक इंच। और ये जो आधे इंच के आगे ये वाली जो लकीर दिख रही है, इसको बोलेंगे 1.25 इंच। ये 1.25 इंच है और ये 1.5 इंच है और ये 1.25 इंच है। वैसे 1.5 इंच में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो 1.25 इंच और ये 1.25 इंच होते हैं, इनमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1.25 इंच कहाँ पे आ रहा है, 1.25 इंच कहाँ पे आ रहा है। तो ये जो एक है, एक या कोई सा भी मतलब अंक हो, 1, 2, 3 कोई सा भी हो, उसके आगे ये जो बड़ी डंडी आ रही है, तो मतलब जैसे इसके आगे आ रही है तो ये 1.75 इंच, और यहाँ आ रही है तो ये 1.25 इंच। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया कि इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच, 1.25 इंच में क्या अंतर होता है। देखिए, ये 1 इंच होता है यहाँ 1 से या 2 या 2 से 3, ये जो नंबर है इनके बीच में हमें 1 इंच होता है हमारा। और ये जो यहाँ पे बड़ी लाइन है, ये 1.5 इंच होता है, जैसे यहाँ से आधा हो जाता है इसका। तो ये देखिए, ये 1 इंच हो जाता है और ये बड़ी लाइन जो आ जाती है, तो यहाँ पे 1.5 इंच, यानी दोनों का आधा आधा हो जाता है। और इन इसका और इसका भी यहाँ पे आधा हो जाता है, तो इसको 1.25 इंच, 1.25 इंच हो जाता है ये। और इसका और इसका आधा होता है, तो 1.25 इंच हो जाता है यहाँ पे। ये जो बड़ी लाइन दिख रही है, और इनके भी बीच में छोटी छोटी लाइनें रहती है, इनका ज़्यादातर कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन ये जो रहती है 1.25 इंच, 1.5 इंच, 1.25 इंच, तो मतलब इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कई लोग कि 1.25 इंच कहाँ पे है, 1.25 इंच बता रहे तो 1.25 इंच कहाँ पे है, जैसे 1.25 इंच, तो 1.25 इंच ये यहाँ पे है। वैसे कितने लोग रहते हैं 1.25 इंच बोलते हैं, तो 1.25 इंच यहाँ पे लगा लेते हैं। ये 1.25 नहीं होता है, ये 1.25 होता है। 1.75 यहाँ पे होता है और ये 1.75 हो जाता है। और जैसे उसी तरह से इस तरफ भी नंबर दिए हुए रहते हैं, इंची टेप के पीछे भी। देखिए, इस वाले भाग में यहाँ से पूरे 100 तक ये जो है ये नंबर, ये सेंटीमीटर है। 1, 2, 3 जो नंबर दिख रहे हैं आपको, ये वाले छोटे वाले, ये सेंटीमीटर में रहते हैं। जैसे मतलब कई बार अपन कपड़े लेने जाते हैं, तो इस तरह से नंबर को नाप के और कपड़ा काट के देते हैं। तो जैसे 1 मीटर का कपड़ा जो होता है, वो 100 सेंटीमीटर का होता है। इस तरह से 100 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे हमारा 100 आ रहा है, तो ये 1 मीटर हो जाता है। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर हो जाता है। तो ये कितनी बार लोग इस तरफ से भी नाप लेते हैं, और कितने ही लोग इस तरफ से भी नाप लेते हैं। तो दोनों साइड से इंची टेप काम आता है, और दोनों साइड से मैंने समझा दिया आपको कि किस तरह से इंची टेप काम आता है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच सके। और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें।